एवरीवन, टुडे द लेक्चर स्टार्ट अबाउट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ सेल। जब हम किसी चैप्टर को पढ़ने जाते हैं तो उस चैप्टर में प्रेजेंट जो कंटेंट होते हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना होता है कि हमारे चैप्टर में कौन कौन से कंटेंट हैं, किस किस तरह के कंटेंट हैं और हम कैसे उनको एक सिस्टमैटिक वे में हम स्टडी करेंगे। सेल चैप्टर जब आप देखते हैं तो बहुत सारे उसमें टॉपिक होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि हम किस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ें। तो सेल चैप्टर पढ़ने के लिए हमें एक सिस्टमैटिक तरीके से अपने कंटेंट को बनाना होता है कि हम एक एक सीरीज, एक एक क्रम में हम किस किस कंटेंट को हम पढ़ते हुए चलें। तो अगर हम सेल चैप्टर के कंटेंट को तैयार करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या क्या इसमें कंटेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अगर सेल चैप्टर पढ़ना है तो हमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन, सेल का इंट्रोडक्शन, ठीक है, किसी भी चैप्टर के जो मेन टॉपिक होती हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसके इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी करना रहता है। उसके बारे में हमें जानना होता है कि ये चीज़ क्या है, कहाँ से आया है, किसने इसे खोजा है, किसने इसे बनाया है। तो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आपकी डिस्कवरी आ जाएगी, डिस्कवरी। अब उसके बाद सेल के इंट्रोडक्शन हो गई, डिस्कवरी हो गई। अब हम देखते हैं कि जो सेल्स होते हैं उनको क्लासिफाई किया गया, किस बेस पे क्लासिफाई किया गया है, नंबर के बेस पे। जैसे किस ऑर्गेनिज्म में A1 सेल होते हैं या एक से अधिक सेल होते हैं, तो क्लासिफिकेशन भी जो है आपको स्टडी करनी है, किस बेस पे सेल को क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पे सेल के क्लासिफिकेशन के बारे में भी हम देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, कि सेल के स्ट्रक्चर में क्या क्या होते हैं, क्या क्या पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। और सेल के स्ट्रक्चर में देखें तो सेल वॉल, सेल वॉल, प्लाज्मा, मेम्ब्रेन, सेल वॉल या हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। उसके बाद साइटोप्लाज्मा हम स्टडी करते हैं। साइटोप्लाज्मा, इसमें आपके सेल ऑर्गेनल्स आ जाते हैं, सेल ऑर्गेनल्स आ जाते हैं। सेल ऑर्गेनल्स में हमारे बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, फॉर एग्जांपल माइटोकांड्रिया, ईआर जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, गॉल्गी बॉडी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद साइटोप्लाज्मा है। कहीं कहीं पे आपको प्रोटोप्लाज्मा भी दिया जाता है। तो प्रोटोप्लाज्मा में आपके साइटोप्लाज्मा होते हैं और प्लस उसमें आपका होता है न्यूक्लियस होता है। तो साइटोप्लाज्मा पढ़ने से पहले हम यहाँ पे न्यूक्लियस भी पढ़ते हैं, न्यूक्लियस। तो इस तरह से सेल के स्ट्रक्चर में हम सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा में सेल ऑर्गेनल्स आ जाते हैं। बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकांड्रिया, ईआर, गॉल्गी बॉडीज होती हैं, आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं, प्लास्टिसाइट्स होती हैं। तो इस तरह से हम सेल के चैप्टर में पूरे ही इस तरह से हमारे कंटेंट हैं और हम एक सीरीज में इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, सेल का इंट्रोडक्शन। लेट्स स्टार्ट। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ सेल। स्टूडेंट, आप जानते हैं जब अगर आपसे पूछा जाए आपके हाउस में आपके क्या क्या हैं,
तो किसी हाउस में क्या क्या पाए जाते हैं? तो आप कहते हैं कि हाउस में लिविंग रूम होते हैं, डाइनिंग रूम होते हैं, किचन होते हैं, तो बहुत सारे। तो एक हाउस जो होता है वो कई सारे छोटे छोटे रूम से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है, रूम से मिलकर के बने होते हैं। उसके बाद ये रूम जो होते हैं ये किससे बने होते हैं? तो आप कहेंगे रूम जो होते हैं किससे बने होते हैं? वॉल से बने होते हैं, वॉल से। और वॉल जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? ब्रिक से बने होते हैं, ठीक है। वॉल जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? ब्रिक से बने होते हैं, ईंटों से बने होते हैं। तो अगर हम बात करें कि एक ह्यूमन बॉडी या एक एनिमल बॉडी कैसे बनती है, तो अगर आप बात करते हैं एनिमल बॉडी की, तो आप कहते हैं एनिमल बॉडी में जो एनिमल बॉडी जो है वो ऑर्गन से मिलके बनी है, आर्गन, आर्गन से मिलके बनी है। आर्गन अगर आप बात करें तो जैसे कि हर्ट वगैरह जो होते हैं या लीवर कह सकते हैं, ये क्या है? हमारे आर्गन है। आर्गन किससे बने होते हैं? टिश्यू से बने होते हैं। आर्गन किससे बने होते हैं? टिश्यू से बने होते हैं। अब आप कहेंगे कि टिश्यू क्या है? टिश्यू आपके नेक्स्ट चैप्टर में सेल के बाद आएगा, टिश्यू के बारे में आपको बताया जाएगा। अब टिश्यू जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? सेल से। देखिए जैसे एक हाउस छोटे छोटे रूम से बने होते हैं, रूम से एक हाउस बनता है। रूम किससे बनता है? वॉल से बनता है। वॉल किससे बनता है? ब्रिक से बनता है। अब ब्रिक्स के बाद कुछ नहीं है, बिना ब्रिक्स के हम एक हाउस नहीं बना सकते। तो एनिमल, उसी तरह एनिमल बॉडी को देखे, एनिमल बॉडी आर्गन से बनी होती है। हर्ट वगैरह, लीवर वगैरह, स्टमक वगैरह, ये सभी क्या है? आर्गन है। और आर्गन किससे बने होते हैं? टिश्यू से बने होते हैं। और टिश्यू किससे बने होते हैं? सेल। मीन्स जो एनिमल बॉडी है, एनिमल बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल है। मीन्स की सेल ही एक एनिमल बॉडी को बनाती है। तो यहाँ पे हम एनिमल बॉडी कि एनिमल बॉडी का एग्जाम्पल लिया है। हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं जितने भी, ठीक है, वो सभी किससे बने होते हैं? सेल से। आप प्लस अर्थ से ही सेल के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं। यहाँ पे फंडामेंटल वर्ड है। फंडामेंटल मतलब यहाँ पे क्या है? बेस है। यूनिट मतलब होता है एक एक यूनिट, एक एक छोटी सी इकाई। जैसे आप देखें अगर कोई मोती का माला है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, तो ये मोती का जो माला है ये इस कैसे बना है? एक एक मोती को क्या करके? जोड़ करके बना है। तो इसमें से जो एक मोती है ये क्या है? यूनिट है। एक चीज को हम क्या कहेंगे? यूनिट कहते हैं। और यह एक मोती क्या है? अपने आप में क्या है? कंप्लीट है। तो उसी तरह जो सेल है वो सेल क्या है? लाइफ की एक फंडामेंटल यूनिट है। मीन्स कि एक सेल जो है वो एक ऐसी यूनिट है, एक सिंगल यूनिट है जो अपने आप में क्या है? कंप्लीट है। और इस यूनिट पे, इस सेल पे क्या है? पूरी लाइफ बेस है, ठीक है। तो जैसे कि ये आपने मोती का माला देखा, ये मोती का माला एक एक मोती से मिलकर के बना हुआ है। तो इसमें एक मोती जो है वो अपने आप में क्या है? कंप्लीट है। तो उसी तरह से आप कह सकते हैं कि लाइफ क्या है? तो दे सेल एक यूनिट है, सेल एक यूनिट है, एक सिंगल यूनिट है, एक एक है। और इसी एक पे हमारी पूरी लाइफ क्या होती है? बेस्ड है। पूरी लाइफ इसी पे आधारित होती है। तो ये इस तरह से सेल हो गया। अब हम कहते हैं कि सेल आया कहाँ से? सेल आया कहाँ से? और आप पहले अर्थ क्लास, अर्थ में ही आपने ये स्टडी कर लिया था कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड फ्रॉम सेल। सेल से हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होते हैं। यहाँ तक कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह भी किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। तो अब हम चलते हैं कि सेल आया कहाँ से, किसने सेल को खोजा। लेकिन उसके पहले, सेल के डिस्कवरी के पहले, हम कुछ अगर सन को देखा जाए, 1590 में जेकेरियस जॉनसन आए थे। जेकेरियस जॉनसन साइंटिस्ट, इन्होंने 1590 में इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था।
अब हमें अगर सेल को देखना है तो हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप से हम जो माइक्रो चीजें होती हैं, जो छोटी से छोटी चीजें होती हैं, जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई देती हैं, उन्हें हम माइक्रोस्कोप हेल्प से देखते हैं। तो 1590 में जैकेरियस जैनसन साइंटिस्ट ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था। अभी सेल डिस्कवर नहीं हुआ था, उसके पहले माइक्रोस्कोप को डिस्कवर कर लिया गया था। जब माइक्रोस्कोप रहा होगा तभी तो सेल को डिस्कवर किया गया, सेल को देखा गया। तो इस तरह से 1590 में जैकेरियस जैनसन ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था, उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बनाया था। अब हम चलते हैं 1665 में, 1665 में रॉबर्ट हुक जो थे वो प्लांट की स्टडी कर रहे थे, प्लांट स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे थे, ठीक है, प्लांट के बारे में। तो उन्होंने देखा जो प्लांट का बार्क पार्ट होता है ना, जो बार्क पार्ट जब बाहर से देखते हैं थोड़ा कड़ा होता है, हार्ड होता है, तो बार्क पार्ट को उन्होंने देखा, उसके स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप से। तो जब उन्होंने बार्क पार्ट को देखा तो बार्क जो था, पेड़ की जो छाल आप कह सकते हैं, जिसे आप कार्क कहीं कहीं लिखा है कार्क, तो कार्क जब उन्होंने देखा उस तरह से, तो कार्क का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से उन्होंने देखा, ठीक है, इस तरह से उन्हें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर ऐसा उन्होंने उन्हें दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा ये जो स्ट्रक्चर है वो हनी कॉम की तरह दिखाई दे रहा है। किस तरह दिखाई दे रहा है? हनी कॉम की तरह, ठीक है। और ये हनी कॉम की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये जो जैसे दिख रहा है एक छोटे छोटे कमरे की तरह दिखाई दे रहे हैं, ये जो है सभी एक ब्लॉक जो है ये छोटे छोटे कमरे की तरह दिखाई दे रहा है, कमरे की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है, कमरे की तरह। तो वहां पे उन्होंने कहा कि ये जो बार्क है, बार्क के स्ट्रक्चर में कंपार्टमेंट है, ठीक है, कंपार्टमेंट कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि इसमें छोटे छोटे कमरे हैं। तो वहां पे वर्ड आया सेलुला, सेलुला, सेलुला से ही निकल के आया है आपका सेल, ठीक है। सेलुला का मतलब क्या होता है? सेलुला का मतलब होता है छोटे छोटे कमरे होते हैं, छोटे छोटे कमरे या छोटे छोटे रूम्स कह सकते हैं, सेलुला का मतलब छोटे छोटे रूम। तो सेलुला वर्ड से ही निकल के आपका क्या आ गया? सेल। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में उन्होंने सेल को डिस्कवर किया, बस उन्होंने सेल को खोजा, ठीक है। अब वहां पे सिर्फ उन्होंने बार्क जो पेड़ की छाल थी, बस उन्होंने यही कहा जो पेड़ की छाल है वो सेल टाइप सेल से बनी हुई है। 1838 में मैथियस स्केल्डन आए, इन्होंने ये कहा ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। मैथियस स्केल्डन 1838 में उन्होंने कहा ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, कि जो सभी प्लांट्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं। रॉबर्ट हुक ने सिर्फ सेल को डिस्कवर किया, लेकिन ये उन्होंने नहीं कहा कि सभी प्लांट्स जो होते हैं वो सेल से बने होते हैं। 1839 में थियोडोर स्वान आए और इन्होंने कहा ऑल एनिमल मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। 1839 में थियोडोर स्वान ने कहा कि जो सभी एनिमल्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं। उसके बाद 1855 में विर्चो है, इन्होंने कहा प्री एग्जिस्टिंग की इन्होंने बात की, विर्चो ने प्री एग्जिस्टिंग की इन्होंने बात की कि प्री एग्जिस्टिंग का यहाँ पे क्या मतलब आप कह सकते हैं कि जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिटिंग सेल्स हैं, जो सेल्स एराइज होते हैं वो प्री एग्जिटिंग सेल से एराइज होते हैं। इन्होंने कहा जो सेल्स बनते हैं वो प्री एग्जिटिंग सेल से बनते हैं। आप कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो, जैसे जो नए ह्यूमन बनते हैं, ह्यूमन बींग्स एक ह्यूमन बींग से ही तो बनते हैं। मीन्स अगर आप बात करें कि आपके जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स, पेरेंट्स से क्या होते हैं? न्यू चाइल्ड बनते हैं, ठीक है, न्यू चाइल्ड बनते हैं और फिर
इस ये चाइल्ड जब ग्रोथ कर जाते हैं तो ये जब पेरेंट्स बन जाते हैं फिर इनसे क्या हो जाते हैं, चाइल्ड बनते हैं। तो कहने का मतलब ह्यूमन बींग ह्यूमन बींग से ही बनता है, मीन्स कि जो ओल्ड सेल होते हैं, जो पुराने सेल होते हैं, वो पुराने सेल डिवाइड हो जाते हैं और डिवाइड हो करके वो फिर न्यू सेल्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, इसी को प्री एग्जिटिंग कहते हैं। तो जो आपके सेल्स होते हैं, जो सेल्स बनते हैं, वो सेल पुराने सेल से ही बनते हैं। ये बात किसने कहा था, विर्चो ने कहा था 1855 में। विर्चो ने ये कहा कि जो सेल्स बनते हैं वो प्री एग्जिटिंग सेल से ही एराइज होते हैं, मींस कि जो नए सेल्स बनते हैं वो पुराने सेल्स से ही फॉर्म होते हैं, पुराने सेल डिवाइड हो जाते हैं और डिवाइड होकर नए सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया गया 1940 में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब जैसे कि कुछ ऐसे भी सेल्स के स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे भी कुछ थे कि जिन्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप के हेल्प से नहीं देखा जा सकता था उनके स्ट्रक्चर को, तो इसलिए बाद में माइक्रोस्कोप को मॉडिफाई किया गया और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हर एक छोटी सी छोटी चीज़ जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखी जाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखा जा सकता है। तो इस तरह से हम सेल के डिस्कवरी की बात कर रहे थे कि सेल की किस तरह से डिस्कवरी के पहले या बाद में किस तरह से हो गया। तो 1940 में आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, 1590 में जैकेरियस जॉनसन, 1665 में रॉबर्ट हुक, उन्होंने प्लांट के बार्क पार्ट को बार्क स्टडी देख रहे थे, प्लांट के स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने बार्क के स्ट्रक्चर को देखा, तो बस वहां से वो सेल वर्ड उन्होंने दिया। 1838 में मैथियस स्केल्डन थे, जो उन्होंने कहा कि जो सभी प्लांट्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। 1839 में थियोडोर स्वान थे, उन्होंने कहा कि जो सभी एनिमल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। अब 1855 में विर्चो आए, उन्होंने कहा कि जो न्यू सेल एराइज होते हैं वो प्री एग्जिटिंग सेल से ही बनते हैं, मीन्स कि जो नए सेल्स बनते हैं वो पुराने सेल से ही बनते हैं। तो ये हो गया कि सेल कुछ ऐसी डिस्कवरी थी कि जो सेल्स को लेके, सेल बायोलॉजी आप कह सकते हैं कि सेल बायोलॉजी में कुछ ऐसी डिस्कवरी थी कि जो हर साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी। और 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात की जाती है। अब हम चलते हैं कि डिटेल सेल के बारे में स्टडी करने। चलिए, हियर वी राइट द डेफिनेशन ऑफ सेल। तो आप सेल के बारे में जान गए इतना तो कि सेल क्या है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंक्शनल यूनिट है और बेसिक स्ट्रक्चरल है, मींस कि सेल से ही हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो स्ट्रक्चरल मतलब कि जो एक ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो किससे फॉर्म हुआ है, सेल से फॉर्म हुआ है। और ऑर्गेनिज्म जो है वो उसकी यूनिट जो है, एक सिंगल यूनिट किस पे बेस्ड है, सेल पे बेस्ड है। ठीक है, तो डेफिनेशन है द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ सेल की बात करें तो अभी हमने कहा था ना कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने ही सेल को डिस्कवर किया गया। तो सात सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन थिन स्लाइस ऑफ कार्क, बार्क में ही कार पार्ट आता है, विथ इज क्रूड, इनकी माइक्रोस्कोप थी, क्रूड माइक्रोस्कोप था, उसके हेल्प से ये इन्होंने देखा था। ही ऑब्जर्व द हनीकॉम्ब, ये आपको ऑलरेडी आपको बता चुके, लाइक स्ट्रक्चर एंड नेम देम क्या, सेल्स। जो इन्होंने हनीकॉम्ब टाइप का स्ट्रक्चर उन्होंने देखा, उसी को इन्होंने क्या कहा, सेल कहा। द वर्ड सेल डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, ये आपको ऑलरेडी, सेलुला, विच मीन्स है क्या, लिटिल रोम। और भी डिस्कवरी सेल बायोलॉजी में देखें, एंटन वॉन लियोनहॉग जो थे, ठीक है, इन्होंने डिस्कवरी किया था कुछ प्रोटोजोन्स के, बैक्टीरिया की, स्पर्मेटोजोआ की, रेड ब्लड सेल्स के। तो एंटन वॉन लियोनहॉग ने रेड ब्लड सेल्स को डिस्कवर किया गया था। अब जेई पुरकुंजे की बात आती है, जेई पुरकुंजे ने प्लाज्मा को डिस्कवर किया था।
प्रोटोप्लाज्मा को कौन डिस्कवर किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? जे ई पुरकिंजे के द्वारा किया गया था, रॉबर्ट ब्राउन। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है आपका कि न्यूक्लियस, अभी आप सेल के स्ट्रक्चर जब स्टडी करेंगे तो वहां पे आपका न्यूक्लियस आएगा। रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस को उन्होंने डिस्कवर किया गया था। बात आती है सेल थ्योरी की, तो अभी आपने देखा था ना एमजे स्कैल्डन की हमने बात की थी, थियोडोर स्वान की बात की थी, तो यहाँ पे इन दोनों लोगों ने मिलकर सेल थ्योरी इन्होंने बनाई थी। ठीक है, तो टू जर्मन साइंटिस्ट एमजे स्कैल्डन एंड थियोडोर स्वान प्रपोज सेल थ्योरी। चलिए देखते हैं सेल थ्योरी क्या है। द मेन पॉस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी आर एज फॉलोज। सेल इज अ फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल थ्योरी का जो फर्स्ट पॉस्टुलेट्स है वो सेल का डिफिनीशन ही है। तो अगर किसी को सेल की डिफिनीशन याद है तो वो अब फर्स्ट पॉस्टुलेट्स को राइट कर सकता है। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो अभी आपने देखा था ना विर्चो ने ये बात कही थी कि जो नए सेल्स अराइज होते हैं वो किससे अराइज होते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब आप यहाँ पे समझ गए हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। ये आप जान चुके हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। अब यहाँ पे है एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज ए सिंगल सेल। आप हर एक ऑर्गेनिज्म को अगर देखेंगे तो उसकी लाइफ जो है वो एक सिंगल सेल से ही क्या होती है, स्टार्ट होती है। ठीक है, सिंगल सेल से। अगर आप ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे ना तो ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। आप कहेंगे कैसे? आप आगे चल के इस आपको ये होगा, लेकिन हम देखें अगर देखा जाए कि एक चाइल्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक सिंगल सेल जायगोट बनता है, जायगोट। ठीक है, ये जायगोट जो होते हैं वो एक सिंगल सेल होते हैं, सेल। अब ये जायगोट जो ये है, जो एक सिंगल सेल है, ये जायगोट डिवाइड होते रहते हैं और डिवाइड होके ये फॉर्मेशन कहते हैं एम्ब्रियो का। आप क्लास एट में ये रिप्रोडक्शन चैप्टर में आप ऑलरेडी ये आप स्टडी किया है। जायगोट जो सेल्स होते हैं सिंगल सेल, ये डिवाइड होके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। एम्ब्रियो से आपका फ्लोटस का फॉर्मेशन होता है और फिर उसके बाद बॉर्न बॉर्न होता है एक बच्चे का, एक बच्चा जन्म लेता है। उसके बाद ये बच्चा फिर ग्रोथ करते चला जाता है, यंग होता है। यंग के बाद फिर वो एक पेरेंट्स के उसमें आ जाता है। तो देखा जाए कि जो एक ह्यूमन बनते हैं, एक ह्यूमन का स्ट्रक्चर जो बनता है वो किससे बनता है? एक सिंगल सेल से ही तो बनता है। तो वही वहां पे सेल थ्योरी में बात की गई कि एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज ए सिंगल सेल। हर एक ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्टार्ट होती है वो किससे स्टार्ट होती है? सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में, और सेल के क्लासिफिकेशन ही है यहाँ पे आ जाएगी। सेल के क्लासिफिकेशन में आपके दो बेस पे है। एक किसी ऑर्गेनिज्म में जो सेल के स्ट्रक्चर होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म में जो सेल के स्ट्रक्चर होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते हैं, तो इस बेसिस पे देखेंगे। और किसी और कोई भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल से बने होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं जिसे हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स देखेंगे, तो उस तरह से हम सेल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे।